फूड में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर बनाने वाले हैं मेथी मटर मलाई, जो सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं। तो आज हम यहाँ पर बहुत इसे आसान तरीके से बनाएंगे और बहुत ही ज्यादा ये टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो चलिए जल्दी से इस मेथी मटर मलाई को बनाना शुरू करते हैं। मेथी मटर मलाई बनाने के लिए गैस पर मैंने पानी रख दिया, इसमें उबाल आने देते हैं। और यहाँ पर मेथी के पत्तों को मैंने बहुत ही अच्छी तरह से साफ कर लिया, यानी कि पानी से बहुत ही अच्छी तरह से धो लिया है। ऐसे इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में काट कर तैयार कर लिया है। अब इसे हमें क्या करना है, उबलते हुए पानी में डालना है। तो पानी में उबाल आने देते हैं। पानी में उबाल यहाँ पर आ गया है और मेथी के पत्तों को अब हम डाल देते हैं इसमें। मेथी जो है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं, यानी कि जो मेथी के पत्ते हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इसमें विटामिन ए, विटामिन B2, कॉपर और मैग्नीशियम की भरपूर मात्रा पाई जाती है। साथ साथ में आयरन की भी भरपूर मात्रा पाई जाती है। तो इस हिसाब से ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। तो इसमें एक बार उबाल आने देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी में एक बार उबाल आ गया है। अब बहुत ज़्यादा हमें इसे देरी तक नहीं उबालना है। अब हमें क्या करना है, बस गैस को बंद कर देना है। तो यहाँ पर ये हमारा तैयार हो गया है। गैस को हम बंद कर देते हैं और इस पानी को हम अलग से निकाल देंगे और इन मेथी के पत्तों को एक अलग से बर्तन में निकाल कर रख लेते हैं। तो इस तरह से हम पानी को स्ट्रेन कर लेते हैं और इसके पत्तों को अलग से बर्तन में निकाल कर रख लेते हैं। तो मेथी के पत्ते की बहुत सारी रेसिपीज बनाई जाती है और ख़ास तौर पर इसे विंटर सीजन में बनाया जाता है, जैसे मेथी के पराठे हो गए, मेथी के साग हो गए, मेथी पनीर हो गए। और आज हम यहाँ पर मेथी मटर मलाई बना रहे हैं। तो उसकी ग्रेवी बनाने के लिए कढ़ाई में मैंने पानी डाल दिया है और पानी में उबाल आने देंगे। और यहाँ पर मैंने कुछ लहसुन की कलियाँ ली, आप देख सकते हैं 6 से 7। और यहाँ पर दालचीनी मैंने ली है खड़े मसाले में, जीरा लिया है, बड़ा इलायची मैंने ली है यहाँ पर, साथ साथ में मैंने यहाँ पर लौंग भी लिए हैं। तो यहाँ पर 2 लौंग का इस्तेमाल हम करेंगे और इसके साथ साथ में यहाँ पर मैंने काली मिर्च भी ली है। अब इन सबको हम उबलते हुए पानी में डाल देंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज। तो 2 बड़े साइज़ का प्याज मैंने लिया है, इसे इस तरह से काट लिया है। और लहसुन और अदरक भी डाल दिया है उसमें मैंने। खरबूजे का बीज भी 2 चम्मच मैंने यहाँ पर डाल दिया। साथ साथ में हम यहाँ 10 से 12 काजू डाल देते हैं। और इसके साथ साथ हम यहाँ पर मखाने भी डाल देंगे। मखाने से इसका जो एक बहुत ही अच्छा स्मूथनेस आती है ग्रेवी में। तो सब कुछ मैंने डाल दिया। अब हमें क्या करना है, इसे उबालना है। तो एक बार हम मिक्स कर देते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर इसमें हम उबाल आने देते हैं। हरी मिर्च भी हम यहाँ पर डालेंगे। तो हरी मिर्च यहाँ पर 2 मैंने डाल दिए हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं उबाल भी आना शुरू हो गया है। और यहाँ पर मेथी के पत्तों को मैंने साइड करके भी रख लिया है कटोरी में एक, और इसे ढक देते हैं और इसे हम पकने देते हैं, यानी कि सॉफ्ट होने तक इसे हमें उबालना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं पानी काफ़ी रेड्यूस हो गया और ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट भी हो गए, देखने से ही लग रहे हैं। तो ये बिल्कुल तैयार हो गया। अब क्या करना है, इसके पानी को स्ट्रेन कर लेना है और जितने सारे जो ये प्याज वगैरह जो है, तो इसे हमें एक बर्तन में रखना है और इसे थोड़ा ठंडा होने देना है। उसके बाद हम इसको मतलब इसका एक पेस्ट हमें तैयार करना है, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ पेस्ट हमें बनाकर इसका तैयार करना है। तो यहाँ पर मैंने प्लेट में सब कुछ निकाल दिया और जितने सारे जो खड़े मसाले हैं ना, उसको हम निकाल देंगे ताकि ग्रेवी का जो कलर है वो चेंज ना हो। तो यहाँ पर जो मतलब जो इलायची हमने डाली थी वो सब हम निकाल लेते हैं, दालचीनी वगैरह, और जो काली मिर्च जो है वो सब हम निकाल लेंगे, जिससे ग्रेवी का जो है वो कलर ख़राब ना हो। तो सभी कुछ मैंने निकाल दिया है और ये इसे ठंडा होने के लिए मैंने साइड में रख दिया है। और कढ़ाई में तब तक जब तक वो ठंडा होता है दूसरी तैयारी कर लेते हैं। कढ़ाई में मैंने यहाँ पर बटर डाल दिया है और बटर जो है वो गर्म हो गया। उसमें हम डाल देंगे इन मेथी के पत्तों को जिसे हमने उबाल कर रखा था। अब इसे हम भूनेंगे। इस प्रोसेस को करने से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मेथी मटर मलाई बनकर तैयार होती है। हल्का सा मैंने यहाँ पर नमक भी डाल दिया है। अब इसे लो फ्लेम पर हम थोड़ी देर भून लेते हैं। तो यहाँ पर 6 से 7 मिनट हम बहुत ही अच्छी तरह से इसे लो फ्लेम करके मेथी के पत्तों को भूनेंगे। इसमें इससे भूनने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब यहाँ पर हम मटर का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि हरी मटर जो होती है, ये ताजी वाली हरी मटर है, इसे भी हम डाल देंगे और थोड़ी देर बस इसे हम भून लेंगे। तो मटर को भी हम भून लेते हैं इस मेथी के पत्तों के साथ में। तो इस तरह से दोनों का जो फ्लेवर है इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके करने से ही बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा टेस्ट आता है मेथी मटर मलाई में। तो ये एक सीक्रेट टिप्स है।
तो ये हमारा भूनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। और यहाँ पर ये जो जितने सारे जो है जो हमने पीसने के लिए तैयार करके रखा है उबाला है प्याज वगैरह को, वो ठंडा हो गया, इसे मिक्सी में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और इसमें अब हम डालेंगे दही। तो यहाँ पर मैंने दही डाल दिया है, तो 3 से 4 चम्मच मैंने यहाँ पर दही डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे पीस लेंगे। तो एक इसका स्मूथ पेस्ट हमें तैयार कर लेना है। स्मूथ पेस्ट मैंने वहाँ पर पीस कर तैयार कर लिया है। और कढ़ाई में फिर से मैंने ऑयल डाला है, उसके साथ साथ ज़रा सा हम बटर भी डालेंगे। तो रिफाइंड ऑयल के साथ मैंने यहाँ पर ज़रा सा बटर डाल दिया और ये गर्म भी हो गया। यहाँ पर मैंने खड़े मसाले लिए हैं, इलायची और जीरा। तो एक इलायची को मैंने लिया है। और अब हम इसमें लाल मिर्च डाल देंगे इसी में, साथ साथ में हल्दी पाउडर भी डालेंगे। और इसके साथ हम यहाँ पर और जितने मसाले वो भी डाल देंगे, यानी कि जीरा पाउडर और धनिया पाउडर भी हम यहाँ पर डाल देंगे। तो सभी पाउडर को मसालों को मैंने यहाँ पर डाल दिया। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सभी मसालों को। और इसे हमें जलने नहीं देना है बिल्कुल, बस थोड़ी देर हम इसे लो फ्लेम करके ही भूनेंगे। अगर फ्लेम को हम हाई कर देंगे तो मसाले जो है जल जाएंगे, तो अच्छे नहीं लगेंगे। तो इसके बाद हमने जो पेस्ट तैयार करके रखा है ना, उसे हमें इसमें डालना है। तो ये आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा हमें स्मूथ पेस्ट तैयार करना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा महीन और स्मूथ पेस्ट हमने तैयार करके इसमें डाल दिया है। अब बस हमें क्या करना है, इसे मिक्स करते जाना है। और इसे थोड़ी देर हमें मीडियम या लो फ्लेम पर भूनना है, हाई फ्लेम पर बिल्कुल नहीं भूनेंगे हम। और उसी जार में थोड़ा सा पानी डालकर मिलाकर मैंने इसमें डाल दिया, ताकि जो साइड साइड में लगे थे वो भी निकल गए। तो सभी को डालकर हम इसे अच्छी तरह से और थोड़ी देर तक भूनेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें उबाल आना भी शुरू हो गया। बस थोड़ी देर हम इसे 10 से 15 मिनट तक के लिए इस ग्रेवी को बहुत ही अच्छी तरह से पकाएंगे। तो सभी तो अच्छी तरह से पक ही गए हैं, मसाले जो है पहले से ही उबले हुए थे, प्याज वगैरह तो वो सब तो पक ही गए हैं। और बाकी जो हमने दही डाली थी उसको थोड़ी देर हम इस तरह से पका लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेवी जो है बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी हो गई है। ग्रेवी आपको जैसी चाहिए वैसी आप रख सकते हैं। नमक डाल देते हैं यहाँ पर, तो नमक मैंने आधा चम्मच यहाँ पर डाल दिया है। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो इस तरह से आप एक बार मेथी मटर मलाई बनाकर ज़रूर से ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो इस तरह से हम थोड़ी देर और इसे पकने देते हैं। और लास्ट में हम यहाँ पर डालेंगे गरम मसाला। तो लास्ट में मैंने यहाँ पर गरम मसाला डाल दिया और ये ग्रेवी हमारी बिल्कुल तैयारी हो गई है। मिक्स कर देते हैं इसे एक बार। और इसमें अब हम डाल देते हैं जो हमने मेथी के पत्तों और मटर को बटर में भून कर तैयार किया था, अब इसे डाल देंगे। और इसके डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और 5 मिनट तक बस इसे हम लो फ्लेम पर रहने देंगे, ताकि इसका फ्लेवर जो है ग्रेवी में बहुत ही अच्छी तरह से मिल जाए। तो बस ये लीजिए, हमारी मेथी मटर मलाई बिल्कुल तैयार हो गई है। बस एक लास्ट स्टेप बाकी है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर मैंने धनिया पत्ता डाल दिया है। अगर आपको धनिया पत्ता नहीं डालना है तो आप इसे नहीं भी डाल सकते हैं, मगर इससे इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो ये लीजिए, तो आप देख सकते हैं इसकी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी मुझे ऐसी ही चाहिए। तो मैंने गैस को बंद कर दिया है। गैस को बंद करने के बाद हम यहाँ पर क्रीम डालेंगे। अगर आपको और भी ज़्यादा पतली ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें और पानी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्रीम डाल दिया, तो अमूल फ्रेश क्रीम का मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर 2 से 3 चम्मच क्रीम हम यहाँ पर डाल देंगे। अगर आपको ज़्यादा डालना है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। तो क्रीम डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो ये लीजिए, मेथी मटर मलाई हमारी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। क्रीम को आप जब भी डालें तो गैस को बंद करने के बाद ही डालें। तो ये हमारा मेथी मटर मलाई बिल्कुल तैयार हो गया। आप इसे पराठे के साथ सर्व करें, बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगता है। तो अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ढककर रख देंगे, बस 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि इसका फ्लेवर और भी अच्छा हो जाए इसमें। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए, मेथी मटर मलाई बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। तो धनिया पत्ता ऊपर से हम डाल देते हैं। तो ये बिल्कुल तैयार हो गई है खाने के लिए। तो आप भी इसे घर पर ज़रूर से ट्राई करें, और कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।
तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।